2005 बचपनी से मैं दूसरे बच्चों से कुछ अलग था, इसलिए कि मैं हर वक्त कुछ नया करने में लगा रहता था और अब तक मैंने बहुत कुछ नया किया भी। तो आज मेरे घर में एक खाली मग कपड़ा मिला जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं था, तो मैंने फौरन सोचा इस मग को इस्तेमाल करते हुए क्या नया किया जा सकता है। मैं सोचते रहा मगर मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आया। इधर तो फैल के 12 बज चुके थे और मैंने देखा मेरी मामा आग पर खाना बना रही थी। आप तो जानते ही होंगे कि आग को जलाना और उसे जलाए रखना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बस आया आइडिया, मैं बनाऊंगा इस मटके से ऐसा चूल्हा जिसकी आग खुद से तो बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। तो देर किस बात की, चलिए इस चूल्हे को बनाना शुरू करते। पोइजा बनाने के लिए जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले ही इकट्ठी करके रख ली है। पोइजा बनाने के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो मुझे फेस करना पड़ी वो ये थी कि इन दोनों डिब्बों को जिनमें मैंने बहुत से सुराख किए हुए हैं को इस मटके के अंदर डालना था, लेकिन डिब्बे का साइज मटके के मुँह से थोड़ा बड़ा था। वाला ये भी कोई डिफिकल्टी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इसका भी हल निकाल लिया कि हम मटके को नीचे से काटेंगे और दोनों डिब्बों को इस मटके में रख कर मटका बंद कर देंगे। तो हम इस मटके को एक नोकदार कील की मदद से खुरेद खुरेद कर काटेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो कोई मसला ही नहीं, हम टाइम लगाएंगे। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने इस मटके को काट लिया। तो अब टाइम है इन डिब्बों को इस मटके के अंदर रखने का, लेकिन उससे पहले हमें इस छुपू से फैन को इस मटके में लगाना होगा। तो फैन को हमने लगा लिया है, तो जल्दी से इन डिब्बों को मटके में रखकर मटका अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। तो आखिरकार हमारा चूल्हा बनकर तैयार है। अभी टाइम है इसकी टेस्टिंग का। तो चलिए जल्दी से इसमें आग जला के देखते हैं इसमें आग कैसे जलेगी, धुआं होगा या नहीं होगा। A few moments later.